हेलो फ्रेंड्स, मेरे पास से 5 इंच का कटर मशीन, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, मैं मशीन को चला रहा हूँ। शायद आपको साउंड ना आ रहे हो क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज़ोर से, तो इसका साउंड मैं रिकवर नहीं कर पाया। तो इसमें दिक्कत ये हो रहा है कि बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रहा है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे उसका, अगर आवाज़ आ रहा है तो क्या करना है, कैसे करना है, कैसे आपको उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले तो उसका कार्बन निकाल लीजिए। कार्बन निकालने के बाद यहाँ पर आपको 3 स्क्रू मिल जाएगा मर्डर हाउसिंग में। पीछे से आप 3 स्क्रू निकाल सकते हो, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, मैं उसका स्क्रू निकाल रहा हूँ। और ये CM5 का मार्बल कटर, वुड कटर, कुछ भी कर सकते बोल सकते हो। तो यहाँ से आपको उसका आर्मेचर निकालना है। आर्मेचर का में 2 बेरिंग आपको मिलता है और इसका गियर हाउसिंग में भी 1 बेरिंग मिलता है, बट इसमें आर्मेचर का सामने वाला बेरिंग वो ख़राब हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, गियर के नीचे आपको पिनियन मिलेगा, आर्मेचर में जो लगा है पिनियन में आपको एक नॉट मिलेगा और ये नॉट को आपको निकालना है। यहाँ पर नॉट निकालने के बाद मुझे बेरिंग पूरा टूटा हुआ दिख रहा है, और तो इसको आपको बेरिंग पुलर में खोलना है। ये बेरिंग पुलर बहुत इंपॉर्टेंट है, बेरिंग पुलर आपको रखना पड़ेगा अगर आप कंटिन्यू काम करो पावर टूल्स का। तो ये बेरिंग पुलर अगर आपको चाहिए, मेरे वेबसाइट का लिंक आई बटन में मिल जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इंडिया के हर एरिया में डिलीवरी हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है, 100% सेफली आपके पास डिलीवरी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 629 का बेरिंग यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। दोबारा मैं बेरिंग निकाल के ऑलरेडी डाल चुका हूँ वीडियो, थोड़ा स्पीड हो गया है। तो यहाँ से देखिए पिनियन में लगा रहा हूँ, इस पिनियन में एक सर्किल लगता है, सॉरी लॉक लगता है, की लॉक लगता है, उसको आपको लगाना पड़ेगा। फिर उसके ऊपर नॉट टाइट करना है और यहाँ पर हमको थोड़ा ग्रीसिंग करना है, और ग्रीसिंग करने के बाद हम दोबारा उसको फिटिंग कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, तो दोस्तों चैनल में लोगों को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा नया चैनल है, जो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हेल्प कीजिए जरूर वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए। उसके लिए लाइक करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और यहां से आपको आर्मेचर को लगाना है उसका गियर हाउसिंग में ग्रीस डाल के, फिर उसके ऊपर आपको लगाना है मर्डर हाउसिंग। और ये ध्यान दीजिए उसके अंदर जो कॉयल है वो सही है या ख़राब है, इसके अंदर डस्ट है तो क्लीन कर लीजिए, डस्ट नहीं है तो बिल्कुल आप इसको फिटिंग कर सकते हो। यहाँ पर देखिए अभी हम क्या करेंगे, 3 स्क्रू टाइट कर लेंगे। तो बराबर आपको 3 स्क्रू प्रॉपर तरीके से टाइट करना है, फिर आपको उसका जो प्रॉब्लम था ये सॉल्व हो चुका है। आपको कंटिन्यूएशन चलाना है, फिर आपको दिखना है कि और इशू है कोई, या फिर नॉर्मल साउंड आ रहा है, या फिर और कोई दिक्कत है, तो वो आपको यहाँ पर बराबर पता चल जाएगा। तो चलिए अभी स्क्रू को टाइट कर चुके हैं, तो अभी हम क्या करेंगे नेक्स्ट, आप थोड़ा एक काम बाकी रह गया, कार्बन नहीं लगाओगे, कार्बन ख़त्म हो गया या फिर कार्बन जाम हो रहा है तो आपका मशीन नहीं चलेगा, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम कार्बन लगाएंगे, CM4SA का कार्बन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, CM5 ओल्ड न्यू किसी में भी आपका CM4SA का कार्बन लग जाएगा, CM4SSB, CM5 सब कुछ से एक ही कार्बन होता है, तो आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर देखिए उसमें अभी हम लगाएंगे 2 कार्बन कैफ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी ये टूट जाता है, तो ये भी मेरे वेबसाइट में मिल जाएगा। अभी मशीन को चला देते हैं। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है, कोई और इशू नहीं है। स्पार्क प्रॉब्लम जरूर चेक कीजिए अगर आपका मशीन ख़राब है, आप उसको रिफ़र क्यों, तो अगर आप नया फिटिंग करो तो अगर आपका आर्मेचर में स्पार्क करा है तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इसके ऊपर जरूर ध्यान दीजिए। तो थैंक यू।